सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज के वचन को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सामर्थी खुदा परमेश्वर, आप महान महिमा के योग्य खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका आज के नए दिन की ब्लेसिंग के लिए, सुपर डुपर नेचुरल ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज का जो वचन आपने हमें अपने दास के द्वारा दिया परमेश्वर, उसके लिए थैंक्स करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम इसको रिसीव करते हैं आज परमेश्वर, खुदा परमेश्वर आज जितने लोग इस वचन को सुने या पढ़े परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह को लेकर के आए, प्रार्थना के हिस्से को लेकर के आए परमेश्वर, उपवास के हिस्से को लेकर के आए परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर, और ये परमेश्वर प्रार्थना में बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन पर जाहिर हो खुदा परमेश्वर। ये हुंदा रा बशिकारी बारी बारी बा खांदा ला ला रा बशिकारा ले हो रोको रोको उंदा रा बशिकारा बशा खांदा रा कुंदा रा बशा याकुना मारा बाला रा खांदा रा बशिकारा बशा बाला रा खांदा रा बशिकारी बारी बारी। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा इनके ऊपर जाहिर हो परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज इनके ऊपर जाहिर हो इस वचन के द्वारा परमेश्वर, आपका प्रकाश प्रचार के खुदा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, ये हुंदा ला ला रा बा खांदा रा बशिकारा बशा बाला रा अंधकार के हर वो शक्ति जो इस वचन के फल को इनके लाइफ इनके जीवन से चुराना चाहती है, चुराने की कोशिश करती है, यीशु नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर से मैं उसको गिराता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये कोई अंधकार की शक्ति इनके फलों को चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम में, होली गोस्ट फायर से कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को ना चुराने पाए। थैंक यू लॉर्ड, निबोरा बसी बारी बारी बखंदा लड़ा रबा खंदा रबा सुहुर उकुर उकुंदा रबा लड़ा रबा हे अपार बसी बारी बारी बखंदा रबा सीकार खंदा रबा शा। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ये वचन इनके जीवन में स्वर्ण फलों को लाए परमेश्वर, तब यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आज का वचन, आत्मा में लड़े और जीते, जैसे कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के 7वें आयत में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है कि एलिय्याह मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने 850 बाल के नबियों को एक पहाड़ के ऊपर इकट्ठा किया और कहा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और इस वेदी को पानी से भर के इसके ऊपर भेंट चढ़ाकर परमेश्वर से कहूंगा कि इसके ऊपर आग उतारे। उसने बाल के नबियों से कहा कि तुम भी ऐसा करना और जिसका परमेश्वर सच्चा होगा वह आग को उतार कर उत्तर देगा। जब बाल के नबियों ने ऐसा किया तो आग नहीं उतरी, पर जब एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उस वेदी और उसके ऊपर की भेंट पर आग उतरी। बाइबल में लिखा है कि लोगों ने देखा कि एलिय्याह का परमेश्वर सच्चा है और बाल के सारे नबी उसी समय मार डाले गए। उसके बाद जब एलिय्याह वहां से गया तो उसे एक संदेश मिला कि रानी इजेबेल ने कहा कि जिस तरह तूने मेरे नबियों को मारा है उसी तरह से मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। बाइबल में लिखा है कि वह एलिय्याह जिसने 850 नबियों को मारा था इस बात को सुनकर वहां से भागा। अब आप सोचेंगे कि वह एलिय्याह जिसने आसमान से आग उतारी, बाल के नबियों को मारा, वह जिसको परमेश्वर पर विश्वास था, उस स्थान से डर कर क्यों भागा? याद रखें, जब पवित्र आत्मा आपके साथ होकर चलता है तो आप बड़े काम करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो क्या जो बीमारी या वायरस आजकल लोगों के शरीर पर होती हैं, वह वायरस या बीमारी आज ही नहीं आए, यह बहुत सालों से दुनिया में है, पर आज लोगों के शरीर कमजोर हो चुके हैं और बीमारियों या वायरस से लड़ने की शक्ति खत्म हो चुकी है। इस प्रकार अगर थोड़ी सी भी समस्या उनके शरीर में आती है तो उनका शरीर उसको सह नहीं पाता। फिर डॉक्टर आपको खाने पीने के लिए अच्छी और सेहतमंद चीजें बताते हैं, उसी तरह से आत्मा में कमजोर होना है। जब आप प्रार्थना, बाइबल पढ़ने और उपवास को उचित स्थान नहीं देते तो आपकी आत्मा भी कमजोर होती है।
जिससे शैतान का हमला आपकी आत्मा पर असर करता है। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई बीमारी या वायरस का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह पहले से ही अच्छी और सेहतमंद चीजें खा रहे हैं। उसी तरह से एक प्रार्थना करने वाला मसीही वह उन लोगों की तरह है जो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं पर अपनी आत्मा को ताकतवर कर रहे हैं। जो लोग हमेशा परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी आत्मा से भरता है, क्योंकि उनको पता है कि एक मसीही होने पर शैतान उनके ऊपर हमला हो करेगा। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। इसलिए वह विश्वासी जो आत्मा में मजबूत है कभी नहीं गिरता। जिस तरह से एलिया प्रार्थना में था और 850 नबियों को मार कर आया, और जिस दिन वह प्रार्थना में नहीं था तो एक रानी के डर से वह भागा। अब आप समझ चुके होंगे कि आपका भरोसा आपके शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप आत्मा से लड़ते हैं तो हमेशा जीत आपकी होती है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और